नमस्कार बच्चों। बच्चों उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों आज हम सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का अध्याय 5 करने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। बच्चों आपने पिछले कुछ अध्यायों में पढ़ा कि कैसे सत्ता का बंटवारा होता है और कैसे जो सरकार के विभिन्न अंग हैं या जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं किस प्रकार सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। लेकिन ये जो सत्ता है वो अपने आप में स्वच्छंद या मुक्त नहीं होती, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव और प्रभाव होते हैं और हितों और नजरियों के चलते हुए, यानी लोगों के हितों और नजरियों के चलते हुए कई बार सरकार का उनके साथ टकराव हो जाता है। और इस अध्याय में हम इन्हीं चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार कई बार लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जन संघर्ष करते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार को झुकाते हैं। तो बच्चों इस अध्याय को हम दो भागों में करेंगे और पहले भाग में हम ये देखेंगे कि जो जन संघर्ष होते हैं किस प्रकार एक बड़ा रूप ले लेते हैं और वो हम दो कहानियों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि जब ये जन समूह इकट्ठे हो जाते हैं तो किस प्रकार उनको फायदा होता है। और ये जो दो कथाएं हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, नेपाल की और दूसरी बोलिविया की, कि उनसे हम क्या सीखेंगे, ये भी हम इस अध्याय के इस भाग में देखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम पहली जो कहानी है या जो कथा है वो है नेपाल की। अब नेपाल में क्या हुआ, 1990 के दशक में वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र स्थापित हुआ, आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि पहले क्या था। पहले वहाँ जो था राजतंत्र चला आ रहा था। राजतंत्र तो पता ही आपको क्या होता है, जहाँ पर राजा के बाद उसका बेटा या बेटी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य राजा बनता है। अब वहां पर लोकतंत्र तो स्थापित हो गया, लेकिन साथ साथ जो राज तत्व के कुछ जो तत्व थे, यानी राजतंत्र के जो कुछ तत्व थे वो वहां पर विद्यमान रहे। यानी एक तरफ आपको पता होगा कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसके बारे में आप थोड़ा जानते हैं, वहां पर क्या है कि वहां पर भी पहले सारे के सारे अधिकार कहाँ पे होते थे, राजा के हाथ में होते थे। लेकिन वहाँ पर एक शानदार क्रांति के जरिए क्या हुआ कि वहाँ पर प्रजातंत्र स्थापित हुआ और जो नेपाल में भी यही हुआ 1990 के दशक के बाद कि जो राजा ज्ञानेंद्र थे उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था चलेगी, यानी लोग चुनाव करेंगे और अपनी सरकार को चुनेंगे। लेकिन जो राजा होगा वो एक प्रकार से वहाँ का मुखिया के रूप में काम करेगा। लेकिन नेपाल में एक बहुत ही दर्दनाक वाक्य हुआ। दर्दनाक वाक्य, ऐसा क्या हुआ वहां पे, क्या हुआ कि एक दिन की बात है जब राजा ज्ञानेंद्र अपने शाही परिवार के साथ बैठे हुए थे जिसमें 12 लोग थे, क्या हुआ कि अचानक कुछ नकाबपोश आए और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया और जिससे उस महल के अंदर, नेपाल के शाही महल के अंदर शाही परिवार के 12 लोगों की हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद राजा वीरेंद्र के जो
भाई थे ज्ञानेंद्र, वो राजा बने। जो राजा वीरेंद्र थे उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ प्रजातांत्रिक व्यवस्था चलेगी, अब सारी की सारी शक्ति मेरे हाथ में रहेगी। अर्थात उन्होंने जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी उसको मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। पहले देखो शाही परिवार की हत्या हुई और अब लोकतंत्र की हत्या, यानी जो भी सरकार थी उसको अपदस्थ कर दिया, उसको भंग कर दिया और सारी की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। लेकिन उस नेपाल के अंदर, यानी जो देश नेपाल है, वहाँ की जो 7 राजनीतिक पार्टियाँ थी उन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने अपना एक सप्तदलीय संगठन या अलायंस बनाया और राजा के इस फैसले का विरोध किया कि क्यों ये जो राजा है हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको खत्म करने पर तुला हुआ है, और इसलिए उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ क्या हुआ, उनके साथ जो माओवादी लोग थे, माओवादी लोग कौन होते हैं, वो किसी भी प्रजातांत्रिक सरकार को सशस्त्र क्रांति से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, वो भी उनके साथ हो गए। यानी देखिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और राजा की व्यवस्था द्वारा आ रही है, वो भी उसको नहीं देखना चाहते थे, वो भी उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में वो भी सप्तदलीय जो गठबंधन था उसके साथ हो गए और उन्होंने भी राजा की जो नया व्यवस्था, राजा के द्वारा जो नई व्यवस्था अपनाई गई थी उसको मानने से उन्होंने भी इनकार कर दिया। और ये जो सप्तदलीय गठबंधन था और ये जो माओवादी लोग थे और इनके साथ कुछ छात्र संगठन और कुछ अन्य जो समुदाय थे वो भी मिल गए और इन्होंने नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है वहाँ पर वो सड़कों पर उतर आए और राजा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और कहने लगे कि तुमने जो ये जो शासन व्यवस्था अपनी राजतंत्र व्यवस्था द्वारा से कायम की है इसको खत्म करो और दोबारा से फिर जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था चल रही थी उसी को लागू करो। और लगभग 3 से 5 लाख लोगों तक उनकी संख्या पहुंच गई और पहले ये जो 4 दिन का बंद का आह्वान किया था वो अब अनियतकालीन, यानी अब कोई उसकी सीमा नहीं थी, बस वो तो सिर्फ मांग कर रहे थे कि जब तक वो पुरानी व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक हम सड़कों से नहीं हटेंगे। और 21 अप्रैल 2006 को उन्होंने राजा को अल्टीमेटम दे दिया कि 3 दिन के अंदर हमारी जो मांगे हैं वो पूरी तरह से स्वीकार कर लो, नहीं तो हम एक और जन आंदोलन छेड़ देंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और उनकी क्या मांगे थी, मांगे तो वही थी कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको बहाल किया जाए, देश का संविधान बनाया जाए और जो लोगों के हित हैं उनको ध्यान में रखा जाए। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। आप सोच रहे होंगे कि अंतरिम क्या होता है, अंतरिम वो व्यवस्था होती है कि जब तक अगली जो व्यवस्था है वो बहाल ना हो तब तक किसी ना किसी व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है या कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था हो ताकि जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से चलती रहे, कि जब तक अगले चुनाव न हो तब तक पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए किसी ना किसी मुखिया की जरूरत होती है। और इसलिए जो अंतरिम सरकार का मुखिया था वहाँ पर गिरिजा प्रसाद कोइराला को बना दिया गया और संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियाँ वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपीए और माओवादियों के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहां एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष
पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए अब हम एक दूसरी कहानी जो बोलविया में घटी उसके बारे में जानें। आपको पता है नेपाल तो भारत के ऊपर है, आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये बोलविया क्या चीज़ है। बोलविया भी एक देश है और ये कहाँ पर स्थित है, ये भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी। ये बच्चों, ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, सुना होगा, जिसको लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, वो वहाँ पर स्थित एक देश है। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने पानी के लिए युद्ध किया। आपके दिमाग में प्रश्न हो रहा होगा कि पानी को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया लोगों ने या कुछ अन्य बात है। तो आइए इसके बारे में जानें कि वहां पे क्या हुआ। क्या हुआ, वहां की सरकार ने, बोलविया की सरकार ने जो विश्व बैंक है उसके दबाव में आकर अपने देश में जो नगर निगम के द्वारा लोगों को जल की आपूर्ति की जा रही थी उसको बंद करके वो व्यवस्था एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों में सौंप दी। बोलविया के एक शहर कोचबंबा में क्या हुआ कि अभी जो आपको बताया कि नगर निगम ने जल की आपूर्ति अपने हाथों से लेकर के या वहां की सरकार ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंप दी। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। और जब वो वहां पर आई तो उसने जो पानी का दाम था उन दामों में 4 गुना वृद्धि हो गई और लोगों को 1,000 रुपये का मासिक भुगतान करना पड़ा बिल के रूप में, जबकि वहां पर अगर देखें जो औसत आय थी वो केवल 5,000 रुपये थी लोगों की। अब जब लोगों को लगा कि हमारी आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो पानी में ही खर्च हो जाएगा तो हम जिएंगे कैसे, तो इसलिए वो जो लोग थे उन्होंने भी जन संघर्ष का जो रास्ता था उसको अख्तियार कर लिया। और इस संघर्ष में बहुत से वर्गों ने साथ दिया, इसमें किसान भी शामिल थे, इसमें श्रमिक भी शामिल थे, इसमें एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम सोशलिस्ट पार्टी वो भी शामिल थी, कुछ इंजीनियर भी शामिल थे, कुछ पर्यावरणविद भी शामिल थे। और देखा जाए तो लगभग बोलविया के सभी वर्गों ने इस जन आंदोलन का समर्थन किया और वो भी सड़कों पर उतर आए और कई दिनों तक वहाँ पर अपनी मांग कि ये जो जल आपूर्ति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी गई है इसको वापस लिया जाए और दोबारा से जो नगर निगम है ये व्यवस्था उसको सौंप दी जाए। जो पहले तो जो सरकार थी वो मानी नहीं, उसने वहाँ पर मार्शल कानून लागू कर दिया जिसके तहत क्या होता है कि सारे की सारी जो व्यवस्था होती है पुलिस के हाथ में आ जाती है और वो अपने ढंग से काम करती है, लोगों को पकड़ती है, उन्हें जेल में डालती है। लेकिन फिर संघर्ष जारी रहा और अंततः जो सरकार थी उसको जनता की मांगों के आगे झुकना पड़ा और जो जल आपूर्ति थी दोबारा से नगर निगम के हाथों में सौंपनी पड़ी। तो बच्चों ये जो दो कथाएं हैं, ये जो लोकतंत्र में जो जन संघर्ष हुआ, ये जो दो कथाएं हैं नेपाल और बोलविया की, अगर देखें तो उनमें कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। अगर असमानता की बात करें तो पहली बात हमें क्या देखने को मिल रही है कि नेपाल के अंदर क्या था, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी उसको दोबारा से बहाल करने की मांग थी, जबकि बोलविया के अंदर क्या था कि जो वहां पर प्रजातांत्रिक सरकार है और जो गलत काम कर रही है उसके खिलाफ उसको बाध्य किया गया कि तुमने जो यहां पर व्यवस्था लागू की है वो गलत है, जो पानी की व्यवस्था यहां पर आपने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में दी है वो गलत है, क्योंकि उसने सिर्फ अपना फायदा देखना है और सिर्फ अपनी जेबों को भरना है। और अगर हम समानताओं की बात करें नेपाल और बोलविया के बीच में, पहली बात ये दोनों ही राजनीतिक संघर्षों का उदाहरण है, और दूसरी बड़ी बात क्या थी कि दोनों में ही आम जनता ने
अपने आप को संगठित किया और जन आंदोलन छेड़ दिया। और एक बड़ी बात क्या थी इन दोनों आंदोलनों के अंदर कि जो सामाजिक संगठन थे या राजनीतिक संगठन थे वो भी दोनों ही आंदोलनों में उन्होंने भी एक बहुत बड़ी और एक सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों जन आंदोलन हुए नेपाल और बोलविया के अंदर, अगर हम वहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालें तो वो कुछ निष्कर्ष हमारे सामने ये आते हैं। लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। यह भी संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण फैसले आम सहमति से हो जाएं और ऐसे फैसलों के पीछे किसी तरह का संघर्ष ना हो, फिर भी इसे अपवाद ही कहा जाएगा। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। लोकतंत्र संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। संभव है कभी कभी इस संघर्ष का समाधान मौजूद संस्थाओं, मसलन संसद अथवा न्यायपालिका के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद ज़्यादा गहन होता है तो ये संस्थाएं स्वयं उस विवाद का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे में समाधान उन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी जनता के माध्यम से होता है। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यह बात सच है कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद होता है, लेकिन जनता की स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। आइए अब हम इन दोनों आंदोलनों से जुड़ी हुई लामबंदी और संगठनों की बात करें। लामबंदी क्या होता है? लामबंदी है कि जब लोग आपस में जुड़ रहे हैं इस जन आंदोलन में अपना एक समूह तैयार कर रहे हैं, और संगठन कि इस लामबंदी में कौन कौन से संगठन थे, चाहे वो सामाजिक थे चाहे वो राजनीतिक थे, किस प्रकार उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, उसके बारे में आइए थोड़ी सी चर्चा करें। हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी SPA ने किया था। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ ना कुछ सदस्य संसद में थे, लेकिन इस जन संघर्ष के पीछे सिर्फ SPA ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी या माओवादी ने भी भाग लिया था, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठनों, मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इसी प्रकार पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोच बम्बा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। सन 2006 में बोलविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। इन दो उदाहरणों से हम ये देख रहे हैं कि किसी भी इस प्रकार के आंदोलन में किसी ना किसी संगठन का पीछे से हाथ जरूर होता है, अर्थात कुछ ना कुछ संगठन उसके साथ जुड़े होते हैं। कई बार वो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाते हैं और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यक्ष रूप से कैसे? कई बार वो क्या करते हैं कि पार्टी बना लेते हैं,
चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के सरकार बनाते हैं, जैसे भारत में कई पार्टियां ऐसे करती हैं, अर्थात यानी चुनावों के माध्यम से और फिर सरकार बना करके वो जो व्यवस्था है उसको लागू करने का प्रयास करती हैं। एक दूसरा तरीका भी है, वो है अप्रत्यक्ष तरीका। उसमें क्या होता है कि ये लोग सरकार या पहले चुनाव नहीं लड़ते और ना ही सरकार बनाते हैं, लेकिन जो सरकार है उसको अपने जो हित होते हैं उनको मानने के लिए मजबूर करती है और इस प्रकार उनको बाध्य करती है अपना एक दबाव बना करके, यानी अपने दबाव के जरिए वो सरकार को बाध्य करती है कि आपको हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। और ये जो इस प्रकार का समूह होता है वो दबाव समूह या हित समूह होता है, जिसके बारे में हम जो हमारा इस अध्याय का जो दूसरा भाग है उसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको अध्याय का ये भाग समझ में आया होगा, लेकिन आइए इसको थोड़ा और समझें और वो हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपने इस अध्याय के इस भाग को कितना समझा और कितना जाना। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर एक, नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? विकल्प हैं 2004, 2005, 2006, 2007। बिल्कुल सही, 2006 में नेपाल में जन आंदोलन हुआ। प्रश्न नंबर दो, नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? और विकल्प हैं थिम्पू, काठमांडू, पेचिंग, यंगून। और इसका सही उत्तर है काठमांडू। प्रश्न नंबर तीन, अप्रैल 2006 में नेपाल में बनी अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री किसे चुना गया? और इसके विकल्प हैं गिरजा प्रसाद कोइराला, ज्ञानेंद्र, वीरेंद्र या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, आपका विकल्प पहला सही है, गिरजा प्रसाद कोइराला। प्रश्न नंबर चार, बोलविया देश किस महाद्वीप का हिस्सा है? और विकल्प हैं यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। बिल्कुल सही, बोलविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। प्रश्न नंबर पाँच, बोलविया के जनसंघर्ष में निम्न में से क्या सत्य है? पहला विकल्प है इस आंदोलन का नेतृत्व फेडे कोर नामक संगठन ने किया। दूसरा विकल्प है इस जनसंघर्ष को किसानों और मजदूर संगठनों से भी समर्थन मिला। तीसरा है इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। और चौथा है, ये सभी सही हैं। अगर हम ऊपर वाले तीनों को देखें तो हमें लग रहा है कि सारे सही हैं, तो इसलिए इसका जो विकल्प चार है कि ये सभी सही हैं, बिल्कुल सही है। अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर एक, माओवादी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले लोगों को माओवादी कहा जाता है। माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। प्रश्न नंबर दो, सेवन पार्टी अलायंस या सप्तदलिया गठबंधन से आप क्या समझते हैं? नेपाल में प्रजातंत्र को बहाल करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एक संगठन बनाया गया था। इस गठबंधन में 7 राजनीतिक दल थे, इसलिए इसको सप्तदलिया गठबंधन कहा जाता है। प्रश्न नंबर तीन, बोलविया में जनसंघर्ष क्यों हुआ? उत्तर, बोलविया में जनसंघर्ष पानी के निजीकरण के विरोध में हुआ। यहाँ की सरकार ने पानी की आपूर्ति का जिम्मा नगर निगम से लेकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया, जिसने पानी के दामों में 4 गुना वृद्धि कर दी। अब हम एक निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न, बोलविया और नेपाल में हुए जनसंघर्षों के बीच क्या असमानताएं और समानताएं थी? उत्तर, पहले हम असमानताएं करेंगे। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य लोकतंत्र को स्थापित करना था, जबकि बोलविया के जनसंघर्ष में एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य किया गया।
बोलविया का जनसंघर्ष सरकार की एक नीति के खिलाफ था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने तय किया कि राजनीति की नींव क्या होगी। अब हम जो समानताएं थी उसके बारे में बात करेंगे। ये दो कथाएं राजनीतिक संघर्ष का उदाहरण हैं। दोनों ही घटनाओं में जनता बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। तो बच्चों, इसी के साथ अध्याय का पहला भाग खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, और जल्दी ही हम अध्याय के दूसरे भाग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।